रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए शुक्रवार को कमहारडी गांव से एक ग्राम प्रधान सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 2 वाहनों में 10 पैकेट में 36 किलो गांजा बरामद हुआ। तस्करी के लिए गांजा उड़ीसा से लाया गया था। दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सैन ने पुलिस लाइन में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार की सुबह कमहारडी गांव के पास वाहन चेकिंग के लिए पहुंची। पुलिस ने इस मामले में रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के कैथी गांव के ग्राम प्रधान विवेक सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान ही इस पूरे गैंग का सरगना था। पुलिस का कहना है यह गांजा एक बोलेरो और एक ब्रेजा कार में रखकर उड़ीसा से रॉबर्ट्सगंज ले जाया जा रहा था, जिसे ग्राम प्रधान के ठिकाने पर पहुंचाना जाना था। तभी रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कमहारडी गांव के पास पुलिस ने घेराबंदी करके इन्हें पकड़ लिया। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सोनभद्र अंतर्गत आज रात्रि में जो पुलिस की टीम निकली हुई थी, उसमें पुलिस को उनके स्रोत के माध्यम से जानकारी मिली, जिसमें 2 वाहन, एक वाहन जो ब्रेजा गाड़ी थी जिसका नंबर आप लोगों को उसके माध्यम से दिया गया है, और उसके अलावा एक बोलेरो, दो वाहन को पुलिस द्वारा रोक करके चेक किया गया तो उसमें कुछ गंध इस टाइप की आई, जिसमें पुलिस को यह आशंका हुई कि उसमें कुछ नारकोटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं। पुलिस ने सघन उसकी छानबीन की। छानबीन के बाद उसमें से 10 पैकेट, बोलेरो में से 10 पैकेट जिसमें लगभग 58 किलोग्राम जो है अवैध गांजा की बरामदगी की गई है। 3 व्यक्तियों की उसके साथ गिरफ्तारी की गई है। 3 व्यक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति उसमें जनपद सोनभद्र के एक गांव का प्रधान है, और बाकी जो 2 व्यक्ति हैं उनके साथ जो आ रहे थे ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद इनके विरुद्ध नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण कराया गया है और इसमें विवेचना जारी है। विवेचना के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं और इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान था, क्या यही सरगना था पूरे प्रथम दृष्टया जो लोगों से बातचीत की गई है अभियोग के पंजीकरण के बाद, जो विवेचक द्वारा उनसे जानकारी ली गई है, उस जानकारी के अनुसार इसमें इनका रोल महत्वपूर्ण है। इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले का? हम सारे प्रकरण को टटोल रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।